एवरीवन, वेलकम बैक योर चैनल ज्योति होम गार्डन एंड ब्यूटी किचन टिप्स। फ्रेंड्स, आज आपके साथ पार्लर में हम हेयर स्ट्रेटनिंग शेयर करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं घर में ही आज आपके साथ बात कर रही हूँ। अभी दो मिनट में पार्लर में जाते हैं और हेयर स्ट्रेटनिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज्यादा बात न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हम जाते हैं पार्लर में। तो चलते हैं। आपको पहले कस्टमर के हेयर दिखाती हूँ। कुछ ऐसे हैं इनके बाल, इन्होंने हाईलाइट किया है इसलिए ऐसे दिख रहे हैं। पहले मैं सभी बालों को अच्छे से कंघी कर लेती हूँ और फिर ड्राई। इनके बाल थोड़े से गीले थे तो मैंने ड्रायर कर लिया है। वैसे भी हेयर स्ट्रेटनिंग के समय ड्रायर करना ही पड़ता है, तभी स्ट्रेटनिंग अच्छे से हो जाती है। तो अच्छे से मैं पूरे बाल पहले ड्राई करूंगी। अभी ये हेयर स्प्रे है, हेयर स्टाइल वाला, वो सभी हेयर पर थोड़ा सा स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि हेयर स्प्रे करने से ज़्यादा देर तक बाल अच्छे से टिके रहते हैं, स्ट्रेटनिंग ज़्यादा देर तक रहती है। ये टेम्पररी स्ट्रेटनिंग है, जैसे परमानेंट वाली नहीं है। तो इसके मैं 150 से 200 रुपए लेती हूँ और समय ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट में ये हो जाती है। तो हेयर स्ट्रेटनिंग करते समय तो थोड़े थोड़े ही बाल लेने पड़ते हैं। इन्होंने ऐसा पॉप निकाला है पहले अपने हाथों से, क्योंकि जैसे कस्टमर के पसंद हो तो वैसे वो पहले अपनी हेयर स्टाइल आगे की कर लेते हैं और बाद में मैं हेयर स्ट्रेटनिंग करती हूँ, क्योंकि इनको सिर्फ मेरे पास हाथ से हेयर स्टाइल नहीं, हेयर स्ट्रेटनिंग ही करनी थी तो मैं स्ट्रेटनिंग ही कर रही हूँ। तो ये स्ट्रेटनिंग मशीन हमने 5 से 7 मिनट तक अच्छे से गर्म होने दी और बाद में स्ट्रेटनिंग शुरू की। जब भी स्ट्रेटनिंग करो तो कस्टमर को बोलो कि अपना सिर एकदम टाइट रखे, वैसे हिलाएंगे मुंडी तो स्ट्रेटनिंग अच्छे से नहीं होती, जैसी ये लड़की हिला रही है। इसको मैंने 2-3 बार बोला है फिर भी ये अच्छे से बैठ नहीं रही है। तो ऐसे हेयर थोड़े थोड़े ऐसे मशीन में लेके ऐसे नीचे तक प्रेस करने पड़ते हैं और ये भी ख्याल रखे कि कस्टमर के बाल एकदम से मत ऐसे नीचे ज़ोर से मत प्रेस करो, क्योंकि दर्द होता है उनको। तो जितना हो सके उतना ही प्रेस करो। तो आगे के हेयर हो चुके हैं अभी और अभी हम बीच में के थोड़े से बाल ऐसे प्रेस करके रखते हैं, क्योंकि एकदम से तो हेयर स्ट्रेटनिंग होती नहीं। तो हमारी ये टेक्निक है सिंपल सी कि पहले दोनों साइड के आगे के बाल पहले हेयर स्ट्रेटनिंग कर लो स्प्रे मार के, और पीछे के जो आए हाथ में वो स्प्रे कर लेती हूँ और बाद में दोबारा से दूसरा हाथ भी स्प्रे कर लेती हूँ। एकदम में स्प्रे नहीं होते, स्ट्रेट नहीं होते अच्छे से बाल। पहले स्प्रे किया हेयर स्प्रे से, फिर बाद में भी थोड़ा सा स्प्रे किया, वो आपको दिखाया नहीं, और स्ट्रेटनिंग कर रही हूँ। ऐसे बाल दबाकर ऐसे नीचे खींचो, बस सिंपल सा ही काम है। पर 3-4 बाल
ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े लेके ऐसे जब तक अच्छे से स्ट्रेट नहीं हो जाए तब तक ऐसे लेके इसको ऐसे करने पड़ते हैं बालों को। थोड़े थोड़े सेक्शन में बाल लेके ऐसे स्ट्रेटनिंग करो और कस्टमर को बोलो कि सिर अपना सीधा रखे। ये तो बहुत ही आवश्यक है हेयर स्ट्रेटनिंग में, नहीं तो जिधर हेयर जाएंगे उधर मुंडी लेके जाएंगे तो स्ट्रेटनिंग अच्छे से होती नहीं, क्योंकि ये मशीन ऐसे प्रेस करके बाल नीचे तक ऐसे खींचने पड़ते हैं तभी स्ट्रेटनिंग अच्छे से हो जाती है, नहीं तो हमको तो आधा एक घंटा ही लग जाएगा कैसे ही कस्टमर अपना सिर रखेंगे। तो इनको हमने बोला कि अच्छे से बैठो दीदी, तो ये अच्छे से अभी बैठ गई हैं क्योंकि इनको भी थोड़ा सा कॉलेज में जाना है और हमको भी समय नहीं है अभी ज़्यादा, अभी हमारा खाना भी खाने का है, अभी करीब 12:30 एक बज गए होंगे। खाना पकाने के बाद घर की क्लीनिंग के बाद एक कस्टमर आ गए हैं, तो घर में पार्लर है तो सब हाथ का काम छोड़ के पहले पार्लर में आना पड़ता है। घर में नहीं है, घर में ही दुकान बनाया है हमने, रोड पे घर है इसीलिए, तो कोई कोई कस्टमर दूर दूर से आते हैं, ये भी दूर से आई है तो हम उनको खड़ा नहीं रह सकते, ठहरो फिर कर देंगे। खाना खाते वक्त भी हम उठकर पहले कस्टमर का काम कर देते हैं जब ये हमारे टाइम में आए तब। हमारा पार्लर का टाइमिंग 12:00 से 7:00 तक है, उसके बाद हम कस्टमर नहीं लेते। कुछ पुराने कस्टमर रहे और उनका ज़रूरी काम रहा तब भी लेते हैं क्योंकि रात का खाना पकाने का रहता है, तो सब टाइम हमारा सेट रहता है। रात को 9:00 सोते हैं हम क्योंकि 4:00 मेडिटेशन के लिए उठते हैं और उसके बाद 1 घंटा गैप करके योगा रहता है और फिर गार्डनिंग टेरेस की, वो तो आपको पता ही है, और फिर पार्लर का काम और घर का काम। इतनी बिजी लाइफ रहती है हमारी, हमारे पास कोई मेड नहीं है, बस बर्तन साफ करने के लिए ही है और इतना सारा काम हम अकेले ही करते हैं। वो सब मेडिटेशन की वजह से और योगा की वजह से हो जाता है। हम कभी कितना भी काम रहे तो 4:00 का मेडिटेशन और 6:00 का योगा क्लास कभी कीप नहीं करते, तभी हमारी एनर्जी इतनी समय तक टिकती है। तो ऐसे प्रेस करके थोड़ा सा दबा के हेयर ऐसे स्ट्रेटनिंग करने पड़ते हैं, पर जब भी स्ट्रेटनिंग करो तो बालों पर हेयर स्प्रे अवश्य करो। स्प्रे की वजह से कस्टमर की स्ट्रेटनिंग बहुत देर तक टिकती है और कस्टमर खुश रहे तो ही हमारे पास दोबारा से आते हैं। हम कैसा भी काम कर देंगे एक बार में, पैसे से मतलब ऐसा करेंगे तो हमारा तो पार्लर चलने वाला नहीं है, इसलिए जब भी पार्लर का काम करती हूँ तो पूरा मन लगा कर करती हूँ, तो कस्टमर हमेशा के लिए हमारे बने रहते हैं। कुछ कुछ हमारे कस्टमर 12-13 साल से टिके हुए हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि फेशियल के वीडियो डालो, जैसे ही कस्टमर आएंगे वैसे वैसे हम वीडियो तैयार करते हैं सभी। रोज का मैं एक ही वीडियो बना सकती हूँ और एक दिन एडिटिंग करती हूँ, अल्टरनेट डे पे ही वीडियो अपलोड करूँगी क्योंकि रोज़ रोज़ वीडियो नहीं कर सकती अपलोड, बहुत सारे काम रहते हैं और एडिटिंग को भी 1-2 घंटा लगता है, तो इसीलिए आपके कमेंट आए थे कि रोज़ वीडियो अपलोड करो, पर नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ही काम रहते हैं, पार्लर भी देखना पड़ता है और एडिटिंग भी करनी पड़ती है
और घर के काम बहुत रहते हैं, तो अल्टरनेट डे पे ही वीडियो अपलोड करूँगी और पूरा क्लास आपको पार्लर का अच्छे से सिखा दूँगी। अभी थोड़ा फास्ट में दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो तो ये बहुत ही लंबा हो जाता और आप भी बोर हो जाते देखते देखते। तो इसी तरह सिंपल सा ही है, जब भी स्ट्रेटनिंग करो तो मशीन शुरू ही रखो, इलेक्ट्रिक शुरू ही रखनी चाहिए और ऐसे फास्ट में ऐसे प्रेस करके नीचे खींचो बाल, ऐसे धीरे से ही नहीं, थोड़ा सा प्रेशर चाहिए तभी प्रेस होते हैं बाल और बहुत सुंदर दिखती है हेयर स्ट्रेटनिंग। तो आपके साथ बातें करते करते पूरी स्ट्रेटनिंग हो चुकी है, फाइनली लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखो फ्रेंड्स कितनी सुंदर स्ट्रेटनिंग हो चुकी है, इनको पसंद आई है। इनकी लेयर कट है शायद, नीचे से है, बाहर से कटवाई है इन्होंने, हमारे पास स्ट्रेटनिंग के लिए आई है। वो बोली हमने फ्री में ही कटवाई है, कोई पहचान वाले होंगे उसके पास। तो ऐसे ये स्ट्रेटनिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स बाय एंड टेक केयर।